बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार से बिल्कुल बेकरी स्टाइल बीफ समोसा रेसिपी की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही आसानी से बनेंगे और बिल्कुल इनका टेस्ट बाहर के बेकरी स्टाइल वाले समोसों का होगा और बहुत ही ज़्यादा जो है आपको ईजी रहेगा ये घर में बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, ये बीफ का कीमा है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें कोई फैट नहीं है, कोई हड्डी नहीं है। तो जस्ट इसको अदरक लहसुन और नमक के साथ मैं बॉईल कर रही हूँ। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही पानी डालना है कि अच्छा सा बॉईल हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब क्या करना, हल्का सा इसको मिक्स करूँगी और इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में तकरीबन मैंने 1 से 2 टेबल स्पून तक ऑयल ऐड किया है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये देखिए ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था। तो इस तरह से चॉप की हुई प्याज को मैं हल्का सा ऑयल में सौते करूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्याज को हमें इसमें बहुत अच्छा सा सौते करना है, मगर कलर नहीं देना है, बस इसको अच्छा सा इसमें फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज को मैं अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है तो मैं अब इसको निकाल लूँगी। तो अब ये उसी पैन में मैंने क्या किया था, कीमा जो बॉईल हो गया था उसको मैंने पैन में डाल दिया है और इसका पानी खुश करूँगी। थोड़ा बहुत जो इसमें पानी होगा वो अच्छा सा इसमें मुझे खुश करना है। ऑयल मैंने अभी ऐड नहीं किया है और ऑयल हमें डालना भी नहीं है। तो ये देखिए अच्छा सा इसको मिक्स करने के बाद, पानी इसका ड्राई होने के बाद, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून तक ग्रीन चिली पेस्ट है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चों को आप इस तरह से पेस्ट करके भी डाल सकते हैं और बारीक हाथ से चॉप करके भी डाल सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। और ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल बाहर जैसा टेक्सचर आता है इसका। तो ये देखिए हरी मिर्चों के साथ मैं अच्छा सा इसको भून रही हूँ ताकि इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसको भूनना है और बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। तो ये देखिए साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया है मेरे पास, तो ये देखिए वो इसमें डाल दूँगी। पिंच मैंने इसमें 1 पिंच इसमें अजवाइन ऐड करी है, इससे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने, कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। नमक 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, ये भी हसबे जायका आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसका अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने और ये जो प्याज मैंने फ्राई करके रखी हुई थी ये भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। लास्ट में ये प्याज ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हल्का सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद ये देखिए अब मैंने यहाँ पर एक कैप्सिकम ले ली है, ये तकरीबन मैंने मीडियम साइज़ की कैप्सिकम को छोटा छोटा कट कर लिया है, तो इसमें मैंने ऐड कर दी है। इससे भी बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है, तो ज़रूर डालिएगा। तो अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद यहाँ पर अब मैं समोसों की शेप देना शुरू कर दूँगी। यहाँ पर मैंने कोन की शक्ल दे दी है और तकरीबन 2 चम्मच इसमें मैं भर के डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा इसकी फिलिंग रख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल समोसों की शक्ल इनको बना लिया है। अब 1 बाय 1 करके इस तरह से तमाम समोसों को मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हर समोसे को मैं इस तरह बना रही हूँ। बनाने के बाद तमाम समोसों को अच्छी तरह से फोल्ड करके रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए समोसों को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ समोसों को इस तरह गरम तेल में फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने हसबी ज़रूरत ऑयल ऐड कर दिया था। अब 1 बाय 1 जितने हमें चाहिए होंगे उतने हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के बनते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसे बने थे।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।